देखिए कल रिम्स के जूनियर डॉक्टर और होमगार्ड के बीच में थोड़ी झड़प हो गई थी और कैंपस स्थित स्टेडियम के पास मंगलवार की रात मनमानी करने से रोकने पर रिम्स के डॉक्टर ने होमगार्ड के महिला व पुरुष जवानों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में होमगार्ड के कई जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, उनका रिम्स में इलाज कराया जा रहा है। वहीं बीच बचाव करने आए होमगार्ड जवानों के साथ भी मारपीट की गई। रिम्स सुरक्षा में लगे होमगार्ड जवान इस घटना के बाद आक्रोशित है। इसमें अधिकतर जवान चतरा सरायकेला खसरवा के हैं। इधर घटना के बाद काफी संख्या में रिम्स के छात्र बरियात थाना पहुंचे गए और वहां भी हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी वहां पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकर थाना से हटाया। इस संबंध में होमगार्ड जवानों ने बताया कि रिम्स के कॉलेज लाइब्रेरी और स्टेडियम के पास उनकी ड्यूटी लगी थी। रिम्स उपाधीक्षक ने किसी को भी स्टेडियम में नहीं जाने देने का आदेश दिया था। रिम्स के छात्र मनमानी करने लगे और स्टेडियम के अंदर जाना चाह रहे थे। उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने जवानों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में तैनात गार्ड के साथ भी मारपीट की गई। उन लोगों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी बदतमीजी की। घटना के बाद काफ़ी संख्या में महिला पुरुष होमगार्ड ड्यूटी छोड़कर थाने में हंगामा करने लगे। उन लोगों का कहना था कि रिम्स में हम डॉक्टरों की सुरक्षा में तैनात हैं, अगर वही लोग हमारे साथ बदतमीजी करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे। देखिए कल रिम्स के जूनियर डॉक्टर और होमगार्ड के बीच में थोड़ी झड़प हो गई थी और जिसके आलोक में कल थोड़ा रात में हम लोग को व्यवस्था सुधार करने में दिक्कत उत्पन्न हुई। अभी डायरेक्टर साहब के निर्देशन में साथ में होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और मेरे स्तर पर एक पूरी रिम्स के एक संकाय के अध्यक्ष जितने हैं सभी लोगों के साथ एक बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि कल के जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को जो है एक कमेटी जो है वो अपना गठित की गई है। यह कमेटी अपना 72 घंटे में अपना रिपोर्ट समर्पित करेगा। जो व्यक्ति के द्वारा गलती किया गया है या जिनका दोष होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के इनके साथ में जो भी समस्याएँ थी, खास करके होमगार्ड के साथ में कि इनके साथ में उनके रहने या उनके आम से अपने शब्द में चलेगा, तो उनके संबंध में भी डिस्कशन की गई है। जूनियर डॉक्टर को भी हिदायत की गई है कि वो भी अपना जो सुरक्षा है या किसी व्यक्ति के साथ में जो व्यवहार है उनका व्यवहार में भी अपना परिवर्तन करेंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ में अनावश्यक नहीं बुलझेंगे। अपनी आई कार्ड जो है वो अपने लगा करके रखेंगे। अभी साथ साथ में यदि जूनियर डॉक्टर को किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो अपना गृहभाग से अपनी शिकायत जो है एक कमेटी बनाई गई है। वो 3 सदस्य जो कि DSMS है और DSP सदर और साथ में होमगार्ड के जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है वो एक कमेटी बनाई। उन कमेटी को ये अपना कंप्लेन दर्ज कराएंगे ताकि समय रहते हुए व्यक्ति के जो दोषी व्यक्ति उन पर कार्रवाई की जाए। सुरक्षा के लिए लौट रहे हैं, सुरक्षा के लिए लौटेंगे अभी। और अभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से बात हुई है, इनको जो है सभी होमगार्ड के जो व्यक्ति हैं वो उनको यहाँ पे लगाया जाएगा, उनको भी ब्रीफ करके लगाया जाएगा ताकि उनके भी व्यवहार में यदि किसी तरह कोई कमी हो तो उनको सुधार और टर्न आउट के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है।